अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं झटपट आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ, जो कि अगर आपको जैसे बच्चों को अचानक से जैसे कभी दिल चाहता है आलू के पसंदीदा डिशेस लिए, तो उसके लिए मैं आपको फौरन बता रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अदरक जो है ये मैंने थोड़ी सी कर दी अदरक यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही इसकी खुशबू फूटने लगेगी ना, तो आप एक एक इसको को थोड़ा सा सौते कर लें। जैसे ही खुशबू फूटेगी फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे अदरक की खुशबू आ गई। अब इसमें ये मैंने टमाटर ऐसे काट के डाल दिए आधे, और इसको मैं ढाप दूंगी। और जैसे ही टमाटर हल्के से नरम होंगे इसका छिलका उतार दूंगी। अच्छा जी, ये टमाटर देख आप जैसे कि देख सकते हैं जैसे सॉफ्ट हो गए। अब मैंने इनका इस तरीके से सबका छिलका उतार दूंगी, ठीक है। ये मैंने सबका छिलका उतार के और टमाटरों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ना बिल्कुल सॉफ्ट करके मार देना है, सही है। ये मैंने सबका तकरीबन छिलका उतार दिया है। अब इसको ढाप के हम लोग इसको बिल्कुल इसका मैश कर लेंगे टमाटरों को। जी, जैसे कि आप सिर्फ देख सकते हैं ये बिल्कुल टमाटर बिल्कुल ऐसे हो गए, भुन गए, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल ऐड करूँगी। और अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी ये हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टेस्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने बीच में से हाफ़ कर ली है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू की इस तरीके से कतलियाँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कि इसमें आलू डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें आलू गल जाए। अच्छा जी, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, इतना पानी शामिल कर दें कि इसमें आलू गल जाए। इसमें थोड़ी सी आप अपने हिसाब से लाल मिर्च ऐड कर दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और नमक इसमें मैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक शामिल कर दें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको अब ढक दूंगी और गलने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन बस हल्का हल्का सा ये पानी रह गया है इसमें। मुझे इसी तरीके से मेरे बच्चों को पसंद है। आप चाहें तो पूरे ड्राई भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आखिर में हरा धनिया डाल दूंगी, सही, और इसको फिर मैं चूल्हा बंद करके ढक दूंगी। तो इसके बाद मैं एंड में बिल्कुल इसके अंदर ब्लैक पीसी भी काली मिर्च हल्की सी बहुत माइनर सी छिड़क दूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये है तो हमारी डिश की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।